नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बंगाल की फेमस पकवान ताल का बड़ा, जिसे बंगाल में तालेर बड़ा कहते हैं। इसे आप ताल का फुलोरी भी कह सकते हैं। कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी में इसे कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। यह बहुत ही अधिक टेस्टी पकवान है, लेकिन इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। यूँ तो ये काफ़ी आसानी से बनने वाली रेसिपी है, फिर भी इसका जो सबसे मुश्किल पार्ट है वह है ताल से पल्प को अच्छी तरह निकालना। मैं इस वीडियो में आपको ताल से पल्प को निकालने की बहुत ही आसान तरीका भी बताऊंगी, जिसमें आप ताल का 100% गाढ़ा पल्प बहुत ही आसानी से बिना किचन टॉप को गंदा किए निकाल सकते हैं। तो आइए बनाते हैं तालेर बड़ा, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ताल का पल्प कैसे निकालें। ताल का पल्प या जूस, जो भी आप कह लें, उसे निकालना काफी आसान है। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे आसान विधि से इसका पल्प निकाल सकते हैं। आप जब भी बाजार से ताल खरीदें, तो कोशिश करें कि इस तरह काली वाली ताल ही लें, क्योंकि यह ज्यादा मीठा होता है। इस ताल को मैं पहले धो ली हूँ, और अब इसके ऊपर वाले भाग को हटा देना है। यह काफी आसानी से अलग हो जाता है। ये देखिए, थोड़ी सी प्रेशर देने पर ही यह अलग हो जाएगा। अब ऊपर के छिलके को थोड़ा थोड़ा कर अलग कर लूंगी। यह काफी आसानी से अलग हो जाएगी, जैसे मानो आप कागज ही फाड़ रही हो। ताल से छिलके को पूरी तरह से निकाल ली हूँ, अब इसे बीच से अलग कर देती हूँ। साधारणतः आप पाएंगे कि यह 3 टुकड़ों में भाग होगी, कारण इसमें 3 सीड्स होते हैं। कभी कभी ताल में 2 सीड्स भी पाए जाते हैं, तो ऐसे में वह 2 भागों में ही बटेगा। ताल के 3 सीड्स को अलग कर ली हूँ। अब इसके पल्प को निकालने के लिए मैं इस तरह की जाली वाली थाली ली हूँ। इस तरह की थाली प्राय सभी के किचन में होती ही होंगी। अब इसके नीचे मैं एक गमला रख देती हूँ, और एक एक कर सीड्स को इस पर इस तरह से घिसूंगी। ऐसा करने से इसका पल्प गमला में जमा होने लगेगा। ये देखिए, कितनी अच्छी और गाढ़ी पल्प गमले में जमा हो रही है। अगर आपके पास इस तरह की जाली वाली थाली न हो, तो आप कद्दूकस यानी कि ग्रेटर का भी यूज कर सकते हैं, पर उससे यह होगा कि पल्प के साथ साथ इसके कुछ रेशे भी निकल जाएंगे, तब आपको फिर से पल्प को छानने की जरूरत पड़ेगी। कोई कोई इस सीड्स को पहले पानी में भिंगो कर रखते हैं, इससे घिसने में आसानी तो होती है, पर पल्प थोड़ा पतला हो जाता है। मुझे इसकी 100% गाढ़ी पल्प चाहिए, इसलिए मैं इसे पानी में नहीं भिंगोया है। 3 सीड्स को अच्छी तरह से घिसकर उससे सारा पल्प निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, अब इसमें सिर्फ रेशे ही बचे हैं, और इस पल्प को मैं अब दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर लूंगी। मैं जो ताल का पल्प निकाली थी, वह मेजरिंग कप से 1.5 कप पल्प है, और उसी कप से 1.5 कप गेहूं का आटा ली हूँ। आप गेहूं की आटे की जगह आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। 1 कप चीनी है, 1 कप डेसिकेटेड नारियल ली हूँ। अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल ना हो, तो ताजे नारियल को कद्दूकस कर भी ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून सूजी ली हूँ। अब इन सारी चीज़ों को ताल के पल्प के साथ मिला लेना है। ये रही आटा, चीनी, डेसिकेटेड नारियल और सूजी।
अब इन सारी चीजों को हाथ से अच्छी तरह मिला लेना है। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें थोड़ी पल्प और लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो मेजरमेंट ली है वह बिल्कुल परफेक्ट है। मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि इसका बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। ये देखिए, अब बैटर पहले से कितना ढीला हो गया है। अब इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ, जिससे चीनी पूरी तरह से घुलकर इसे और पतला बना देगी। 30 मिनट हो चुके हैं, चीनी भी पूरी तरह पिघल चुकी है और सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं कम से कम 5 मिनट इसे अच्छी तरह से फेंट लूंगी। चीनी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि ताल का पल्प कितना मीठा है। अगर पल्प अधिक मीठा है तो चीनी आप कम ले सकते हैं। साथ ही साथ आप पर भी निर्भर करता है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ जो चीनी की मात्रा ली हूँ वह बिल्कुल परफेक्ट है। बड़े का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इससे मैं छोटे छोटे बड़े तल लूंगी। इधर मैं एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में रिफाइन ऑयल को गर्म करने के लिए बैठा दी थी। तेल गर्म हो चुका है और अब इस बैटर से इस तरह छोटे छोटे बॉल को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूंगी। तेल अधिक ठंडा या अधिक गर्म नहीं होनी चाहिए। अधिक गर्म होने से ये बाहर बाहर तो पक जाएंगे पर अंदर कच्चा ही रह जाएगा, और अधिक ठंडा हुआ तो आपस में चिपक जाएगा। अब इसे एक बार चला लेती हूँ और गोल्डन ब्राउन होने तक उसे इसी तरह उलट पलट करते हुए तल लूंगी। इस समय आप फ्लेम को मीडियम ही रखें। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरह छोटे छोटे बड़े तल लूंगी। तो व्यूअर्स, ये रही तालेर बोड़ा या ताल फुलौड़ी। सूजी और डेसिकेटेड नारियल के कारण ये बाहर से क्रिस्पी है पर अंदर से नरम और जूसी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।